ग्लोबल विलेज वाले कॉन्सेप्ट के फायदे हमने देखे। वसुधैव कुटुंबकम तो और भी पुराना और टेस्टेड विचार है, लेकिन स्वार्थ ने हमें अंधा कर रखा है मूर्खता की हद तक। कालिदास याद है ना, वो जो जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। कोरोना के मामले में भी लग रहा है कि कुछ लोग और कुछ देश सिर्फ अपने बारे में सोचने की गलती कर रहे हैं और पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जब वायरस फैला तो चीन ने अपनी सोची, दुनिया को देर से बताया, नतीजा सामने है। अमेरिका ने WHO को मदद रोकी, अब जब इतनी तबाही के बाद वैक्सीन बनी तो फिर अमीर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। दूरदृष्टि दोष की इंतहा देखिए कि इससे खुद उन्हें भी घाटा हो सकता है। ब्लूमबर्ग की 18 जनवरी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ अपने नागरिकों को COVID-19 वैक्सीन की लगभग 24 मिलियन खुराक दे चुके हैं, जो दुनिया भर में दी गई डोज की आधे से भी ज्यादा है। जबकि बड़ी संख्या में ऐसे भी देश हैं जहां अभी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू तक नहीं हुआ है। जनवरी में ही UN स्वास्थ्य एजेंसी प्रमुख ने एक बयान में ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि कम से कम 49 अमीर देशों में अब तक कोरोना वायरस वैक्सीन की 39 मिलियन डोज दी जा चुकी हैं, जबकि एक न्यूनतम एवरेज आय वाले देश में सिर्फ 25 डोज दी गई हैं। WHO का ही कहना है कि जब तक एडवांस इकोनॉमीज विकासशील देशों को वैक्सीनेशन ड्राइव तेज करने में मदद नहीं करते, तब तक कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हुई उनकी इकोनॉमी को रिकवर करने में दिक्कत का सामना करना होगा। अगर विकासशील देशों में वैक्सीन रोल आउट मौजूदा स्पीड पर जारी रहा तो एडवांस इकोनॉमी वाले देश को महामारी से पहले के GDP का $2.4 trillion यानी 3.5% तक आउटपुट लॉस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई और डिमांड के चेन को डिसरप्ट करेगा। WHO चीफ ने कोवैक्स फैसिलिटी का भी जिक्र किया, जिसका टारगेट सभी देशों में COVID-19 वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उन्होंने वैक्सीन के संदर्भ में कहा कि न्याय संगत सुलभता की भाषा बोलते हुए भी कुछ देश और कंपनियां कोवैक्स से हटते हुए द्विपक्षीय समझौतों को प्राथमिकता देने में लगे हैं, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और लाइन तोड़कर आगे आने की कोशिश हो रही है, ये गलत है। ऑलरेडी कोविड महामारी की भयावहता झेल रही दुनिया असमानता की भयावहता झेलने के कगार पर खड़ी हो रही है। अब देखिए देश के अंदर कैसे अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। द इनइक्वालिटी वायरस शीर्षक वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि इस महामारी के चलते इकोनॉमी पर मार पड़ने से लाखों गरीब भारतीयों की नौकरियां चली गई, लेकिन अरबपतियों की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में लॉकडाउन के दौरान 35% बढ़त हुई है। आप आसानी से अंदाजा लगा सकें इसके लिए इस बढ़त को लेकर ऑक्सफैम ने क्या कहा है वो जानिए। असल में महामारी के दौरान भारत के शीर्ष 11 अरबपतियों की संपत्ति में हुई बढ़ोतरी 10 साल के लिए NREGS योजना या 10 साल तक स्वास्थ्य मंत्रालय को चला सकती है। ऑक्सफैम ने महामारी के चलते भारत में गरीब बच्चों के सामने स्कूली शिक्षा को लेकर पैदा हुई चुनौतियों का भी जिक्र किया है। भारत के सबसे गरीब 20% परिवारों में से सिर्फ 3% के पास कंप्यूटर की पहुंच थी और सिर्फ 9% के पास इंटरनेट था, जबकि ऑनलाइन एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स ने इसी दौरान एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में असमानता को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे गरीब 20% लोगों में से सिर्फ 6% के पास ही बेहतर स्वच्छता के नॉन शेयर्ड स्रोत तक पहुंच है, जबकि टॉप की 20% आबादी में ये आंकड़ा 93.4% का है। भारत की 59.6% आबादी एक कमरे या उससे कम जगह में रहती है। इस तरह बताया गया है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर बहुत बड़ी आबादी के लिए हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने जैसे उपायों को अपनाना संभव नहीं था। महिलाओं पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनमें बेरोजगारी की दर कोविड से पहले 15% से बढ़कर 18% हो गई। नवंबर 2020 तक के आंकड़े कहते हैं कि 12 महीने में डोमेस्टिक वायलेंस 60% तक बढ़ा। अब वापस कालिदास वाले उदाहरण पर, क्या बड़ी फैक्ट्रियों, बड़े लोगों के यहाँ कामगार उनका कारोबार चलाने वाले ठीक नहीं रहे तो वो खुद ठीक रहेंगे? क्या एक दूसरे से कारोबार के जरिए जुड़े देशों में से एक कोरोना संक्रमित रहा तो दूसरे का काम धंधा ठीक चलेगा?